हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि स्टैंड फ़ैन या पेडेस्टल फ़ैन हो, वॉल फ़ैन हो या टेबल फ़ैन हो, अगर जाम चलता हो उसका जाम या वाइब्रेट करता हो, अगर पंखा हिलता हो चलने टाइम में, तो उसका रिपेयरिंग कैसे करेंगे। तो ठीक से चलेगा तो देखिएगा, उसमें शाफ्ट चेंज कर देंगे। शाफ्ट ख़राब होने के कारण जो फ़ैन होता है वो हिलने लगता है, बहुत थर्राने लगता है चलने टाइम में। तो देखिएगा पूरा वीडियो, इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे कैसे शाफ्ट चेंज करते हैं, तो देखते रहिए पूरा। ये शाफ्ट है और ये देखिए पूरा कटा हुआ है, इस तरफ भी कटा हुआ है पूरा, और इसीलिए सही से नहीं चलता है। तो शाफ्ट से रोटर को निकालेंगे। पहले रोटर निकालने के लिए पहले वाशर है, इसका वाशर को निकाल लेंगे। अच्छा से देखिए पूरा वीडियो, समझ में आएगा। आप अगर आपका भी ऐसा होता है तो इसको अपना से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको मेजरमेंट करेंगे कि कितना आगे तरफ निकला हुआ है, थोड़ा बड़ा छोटा चलता है। देखिए 10 सेंटीमीटर आगे तरफ 10 सेंटीमीटर निकला हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो करेंगे इसको निकाल देंगे, इधर से थोड़ी से मारेंगे। ये देखिए शाफ्ट निकल गया है रोटर से। अब इसमें हम दूसरा शाफ्ट लगाएंगे। ये देखिए शाफ्ट थोड़ा छोटा हो गया है, हल्का छोटा है उससे, हल्का छोटा है शाफ्ट, फिर भी इसी को लगा देंगे। इसी को लगा देते हैं। दस सेंटीमीटर था निकला हुआ। हो गया, इसी को लगाएंगे। इसी के कारण फैन जाम हो जाता है, चलता नहीं है। अभी शाफ्ट बदल दिए, अभी अच्छा से चलेगा। तो इस तरीके से आप भी बदल सकते हैं शाफ्ट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। इस तरह का वीडियो हम
बनाते रहते हैं।